स्मार्ट सिटी रु पिंक सिटी को सीधासळख उड़ाण आज भुवनेश्वर राजस्थान रो जयपुर को सीधासळख उड़ीप विमान एही कार्यक्रम रे शुभारंभ होईची। एथिरे वीसी माध्यम रे जोग दैछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यहा सहित कार्यक्रम रे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी प्रमुख सामिल होते। पूर्वर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर राजस्थान रे जयपुर को विमान उड़ाण नहीं बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिठी लिखिते। पर धर्मेन्द्र कथा रखिते मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। विमान उड़ाण द्वारा बढ़ दुई राज्यर अर्थनीति व्यवसाय एवं पर्यटन क्षेत्र। सेहीपरी तटीय एवं आदिवासी अंचल एवं दुर्गम इलाके प्रधानमंत्री ड्रोन पॉलिसी को प्रशंसा करिछंती। खास करी एहार पायलट प्रोजेक्ट भाबरे ओडिशा को बाछिबाकू केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनुरोध करिछंती। मालकानगिरी जिले में चासरे मध्य ड्रोन रो व्यवहार कथा उठाइछंती केन्द्रमंत्री। आज मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला है, जिस भुवनेश्वर की स्थापना 1948 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली प्लैंड सिटीज में से एक है। जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो कॉन्जिग बर्गर के द्वारा स्थापित हुई थी एक वेल प्लैंड सिटी के रूप में, और आज पूर्वी भारत का एक स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये गोल्डन ट्रायंगल में स्थापित है। और जहां एक भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर है, वहीं हम उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गोल्डन ट्रायंगल आगरा, जयपुर और दिल्ली के साथ एक दिलों का कनेक्शन नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम लोग जुड़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं खास करके और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को। कितने बार मेरे पीछे पड़े ताकि ये कनेक्शन हम लोग दे पाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्वोदय को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए विभागीय मंत्री मेरे मित्र ज्योतिरादित्य जी को आभार प्रकट करता हूं। उड़ीसा की ओर से आपने इस सारे अपेक्षा को पूरा किया और आने वाले दिनों में आप उड़ीसा को कैसे ऊपर ले जाओगे, आपने आपकी मन की बात कही है। मैं आश्वस्त हूं, मैं अश्योर हूं आपकी हाथों में उड़ीसा की सिविल एविएशन सेक्टर में, और अच्छा होगा ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं उड़ीसा की ओर से आपको पुनः आभार प्रकट करता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा। प्रधानमंत्री जी की नाम और आप और बढ़ाओगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मत विश्वास अच्छे जे जत्ते टूरिस्ट आसीबे राजस्थान को से माने निश्चित भावे ए फ्लाइट को नहीं कि उड़ीसा मध्य जे उड़ीसा को थरे आसीबा आरंभ करले एंटायर गोटे सुंदर सर्किट है जीवो। दुईटा जाक राज्यर धर्म संस्कृति आउ कल्चर रो गोटे अद्भुत संगम अच्छी। ओडिशा रो हेरिटेज भी सेती की समृद्ध जेते जयपुर रो, जयपुर को कहंती पिंक सिटी, ओडिशा को आम भुवनेश्वर को कहंती टेम्पल सिटी। एंटायर ओडिशा इज अ टेम्पल स्टेट, केवल भुवनेश्वर नुह बरम सब जगह रे इत्ते सुंदर सुंदर टेम्पल्स, इत्ते समृद्ध संस्कृति। तो मु भावुछी आज ए जहा जयपुर टू भुवनेश्वर उड़ान मु कहुछी राजस्थान टू ओडिशा कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हेला ए कनेक्टिविटी रो बहुत लाभ पाइबे। ओडिशा रे पाइबे लाभ, राजस्थान रे पाइबे लाभ, और जेते टूरिज्म सेक्टर को विशेष करी एथिरे बहुत बेनिफिट मिलेगा।